एसपी ऑफिस में जन सुनवाई के लिए अनूठा प्रयोग भी हुआ। एसपी ललित शाकिवार से जिले भर के एसडीओपी को बुलाकर अपने कार्यालय के बाहर परिसर में बने टीन शेड में बैठकर लोगों की शिकायतें सुनी। एसपी के साथ एएसपी डॉक्टर राय सिंह नरवरिया, महिला सेल डीएसपी प्रियंका मिश्रा, बानमोर एसडीओपी दीपा चंदोरिया, मुरैना सीएसपी अतुल सिंह आदि के साथ बैठक कर लोगों की शिकायतें सुनी। एसपी के जन सुनवाई में 90 से ज्यादा लोग शिकायत लेकर आए। इनमें से 55 से ज्यादा शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इसके अलावा करीब 35 शिकायतों को निराकरण करने के लिए संबंधित एसडीओपी व थाना प्रभारी को अगले मंगलवार का समय दिया है। एएसपी डॉक्टर नरवरिया ने बताया कि हर मंगलवार को जिले भर के एसडीओपी जिला मुख्यालय पर आकर अपने अपने क्षेत्र के स्थानों की शिकायतों से रूबरू होंगे। उन्हें पता लगेगा कि उनके यहाँ कितनी शिकायतें हैं तो वरिष्ठ अफसरों तक आ रही है। इसके अलावा पीड़ितों की शिकायतों का जल्द निराकरण होगा, इसलिए ये व्यवस्था शुरू की गई है। आज हमने जो जनसुनवाई जो मंगलवार को पिछले वार से शुरू की गई है, इसमें एक नया वो किया गया है। परीक्षण के तौर पर देखा जा रहा है कि मतलब जितने भी जो आवेदन एसपी ऑफिस में जो आते हैं वो मूलतः थानों से रिलेटेड है, तो उनके एसडीओपीस को और सीएसपी को भी यहीं पर जैसा आपने भाग देखा है पूरा उनके टेबल लगा के और डिवीज़न वाइज जन सुनवाई की गई है। अभी 11 बजे से चालू की गई थी और अभी तक चालू है। इसमें जो आवेदक हैं उनको ये कोशिश की जा रही कि उनको ऑन द स्पॉट ही थाना प्रभारी को फ़ोन करके और कंसर्निंग जो एसडीओपी या सीएसपी है उनको तत्काल बताया जाए, जिससे कि उसमें समाधान किया जा सके। आवेदन मूलतः पारिवारिक झगड़े के आए हैं और कुछ जमीन संबंधी विवाद आए हैं। कुछ लोग मेरे पास आए थे, उनका ये कहना था कि 323 लगी है तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उसमें भी निर्देशित किया गया कि उसमें धाराओं का इजाफा किया जाए और वैधानिक कार्रवाई। जब भी मतलब डिवीजन लेवल पर कुछ नहीं होता है तो सभी एसडीओपीस को बोला गया है यदि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो वो उनको छोड़ा जाएगा, बाकी यहीं पर निराकरण करवाने की कोशिश की। मुरैना से देवेंद्र से राजपूत की ये रिपोर्ट।